जी मैम, नाम डेजिनेशन बताइए पहले अपना। नमस्कार, महामेघा नागर, एबीवीपी से डूसू सेक्रेटरी। पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है और दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, ऐसे में स्टूडेंट्स की कंडीशन क्या है? क्या कोई स्टूडेंट ऐसे भी इंटरनेशनल या कोई यहाँ के स्थानीय भी वो जाना चाहते हों कॉलेज छोड़कर या कुछ दिनों के लिए रेस्ट चाहते हों? ऑफकोर्स, ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति हमारे सामने उभर करके आ रही है। जिस तरीके से स्मॉग की कंडीशन, जो लेवल स्मॉग का अभी एयर के अंदर बढ़ता जा रहा है, उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। अगर मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखूँ तो स्टूडेंट्स जो कि बाहरी क्षेत्रों से आते हैं, NCR रीजन से ट्रैवल करके डेली कॉलेज अटेंड करने आते हैं, उनको खास तौर पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अटेंडेंस का ड्रॉप रेट सामने आया है। मैं खुद एक लॉ फैकल्टी की स्टूडेंट हूँ और गाज़ियाबाद से ट्रैवल करके आती हूँ, सो जो मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं, मेजॉरिटी केसेस के अंदर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी ड्रॉप आउट कर रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं कि वो अभी क्लासेस लें इस दौरान में। सो मुझे लगता है कि ऑफकोर्स ये एनवायरमेंटल कंडीशन को देखते हुए अभी सीरियस स्टेप्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में जब आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो इस तरह का तो कोई कि ड्रॉप आउट करने का, कॉलेज ही ड्रॉप आउट करने का या कंट्री छोड़ने का तो कोई एविडेंट केस मेरे सामने अभी तक नहीं आया है। बट अगर इस तरह का विचार अगर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही चिंता का विषय है और हम सबको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी डूसू के बिहाफ पर एक डेलीगेशन लेके जाया जाए हमारे वाइस चांसलर और साथ ही साथ दिल्ली के स्टेट मिनिस्टर्स के पास में, ताकि इसके लिए एक प्रॉपर मेजर्स हम लोग यूनिवर्सिटी में ले सकें और क्लासेस को फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड करा जा सके। क्या शिक्षा विभाग मंत्री से भी आप मिलने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को लेकर स्टूडेंट? ऑफ कोर्स, दैट इज़ व्हाट आई जस्ट सेड कि हम कोशिश करेंगे कि हमारी मुलाकात मनीष सिसोदिया जी से हो पाए, ताकि वो दिल्ली के अंदर प्रॉपर मेजर्स ले सकें टाइम रहते और क्लासेस को फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड कर सकें। तो मैम, एक अखबार में भी एक छोटी सी एक हेडलाइन आई है, उसमें मैडम ने किसी स्टूडेंट से बोला है कि मेरे को दिक्कत हो रही है, यहाँ से जाना चाहती हूँ या कुछ दिन के लिए घर में रहना चाहती हूँ। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट कैसे? मतलब मैं तो यही एडवाइस देना चाहूँगी कि ड्रॉपिंग आउट ऑफ द एजुकेशन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आपको वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा सिस्टम इंडिया के अंदर इतना स्ट्रांग है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो ऑल ओवर इंडिया हो, मुझे लगता है हमारा सिस्टम अभी इतना एफिशिएंट है कि हम एक अच्छा स्टेप ले सकते हैं और प्रॉपर मेजर्स ले सकते हैं इसके लिए। आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि वेयर मास्क और अभी आप अपने जितने ज़्यादा प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सकते हैं वो लीजिए। ट्राई टू अवॉइड रोमिंग आउट इन पब्लिक एरियाज एज मच एज यू कैन, बट ड्रॉपिंग आउट इज ऑब्वियसली नॉट एन सोल्यूशन। आप लोग दो संडे तक का वेट कीजिए, मुझे लगता है कि सरकार जरूर कोई ना कोई प्रॉपर मेजर लेगी। ड्राइव करना, इवन हम भी आंखों में जलन होना, पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं अच्छे से, इवन कहीं बैठ नहीं पा रहे हैं क्योंकि जलन इतनी हो रही है आंखों में बहुत ज़्यादा, और कुछ महसूस हो रहा है सांस लेते हुए। साहब का कहना है कि इंडियन स्टूडेंट जा चुके हैं, कुछ स्टूडेंट जा चुके हैं, तो फॉरनर के बारे में पूछे तो वो उनके क्या, उनके लिए तो और भी बुरा दौर आई थिंक चल रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर तो और भी आई थिंक अब यूरोप की कंट्रीज में जाएंगे, यूरोप से, यूरोप और बाकी अमेरिका से जो स्टूडेंट्स आते हैं इन इन महाद्वीपों से, वहाँ तो फ्रेश एयर रहते हैं, वहाँ पे इतना पॉल्यूशन है भी नहीं, तो उनके लिए तो सर्वाइव करना और भी मुश्किल हो रहा है।